assalamu Alaikum dear students. Today the topic of our lecture is balance of payment. Balance of payment. For a country, summarize all transactions of resident of a nation with the rest of world during a period. Each country receives payments for its exports and do payments for the imports. balance of payment is a statement of the accounts of these receipts and payments. a country has to deal with other countries in respect of three items. balance of payment. Ke do bade hands एक तरफ है रिसिप्ट और दूसरी तरफ है पेमेंट्स आज के दौर में कोई भी इकोनॉमी क्लोज इकॉनमी नहीं है हर मुल्क को दूसरे मुल्क के साथ तिजारत करनी है हर मुल्क इम्पोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी जब एक मुल्क एक्सपोर्ट करता है तो उसे दूसरे ममालिक से आमदनी हासिल होती है जो कि उसकी रिसिप्ट कहलाती हैं और जब वही मुल्क बैरूनी दुनिया से कुछ गूड्स एंड सर्विस इंपोर्ट करता है तो उसे उन गूड्स एंड सर्विस की पेमेंट दूसरे ममालिक को करना होती है गोया एक तरफ एक्सपोर्ट्स के नतीजे में रिसिप्ट आते होती हैं आमदनी हासिल होती है और दूसरी सूरत में इम्पोर्ट्स की सूरत में उसको पेमेंट करना पड़ती है इन दोनों तरह की पेमट्स या रिसिप्ट और पेमेंट का आपस में जो बैलेंस है यही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है हर कंट्री को बैलेंस ऑफ पेमेंट के सिलसिले में जो है वो थ्री आइटम से डील करना पड़ता है जब वो दूसरे के साथ तजारत करती है तो तीन आइटम्स जो हैं वो सामने होते हैं द फर्स्ट वन इज़ नोन एज दी विजिबल आइटम्स जैसा कि ये अपने नाम से ही जाहिर है ऐसे आइटम्स जो कि फिज़िकल गुड्स पर मबनी होते हैं ये वो आइटम्स हैं जो कि मादी वजूद रखते हैं जिनको इंसानी आंख देख सकती है इट इंक्लूड्स ऑफ फिजिकल गुड्स इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड जैसे कि क्लॉथ uh, है फिर इसके अलावा इंडस्ट्रियल कमोडिटीज हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं है, इन तमाम तरह गुड्स की इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट विजिबल आइटम्स में शुमार की जाती है जबकि इन विजिबल आइटम्स इट इंक्लूड्स ऑल काइंड इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड यानी इसमें ऐसी कमोडिटीज शामिल होती हैं जिनको इंसानी आँख नहीं देख सकती जो कि मादी वजूद नहीं रखती और कमौ... इन कमोडिटीज़ में शामिल हैं सर्विसेज सोर्स so, कमोडिटी का जो लफ्स है ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए इस्तेमाल होता है तो इसमें गुड्स भी शामिल हैं जो कि विजिबल होती हैं और इसमें सर्विसेज भी शामिल हैं जो कि इनविजिबल होती हैं बहरहाल विजिबल आइटम्स यानी गुड्स और इनविजिबल आइटम्स यानी कि सर्विसेज ख़दमात ये दोनों के दोनों भी जो हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो स... शेड्यूल है उसमें शामिल किए जाते हैं फिर इसके अलावा कैपिटल ट्रांसफर है इट इंक्लूड्स कैपिटल एंड कैपिटल पेमेंट्स यानी कैपिटल भी कैपिटल पेमेंट्स भी लाइक इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे मुल्क में आकर इन्वेस्टमेंट करते हैं कैपिटल हमारे मुल्क के अंदर लेके आते हैं इट इज़ नोन एज कैपिटल इनफ्लो और हमारे भी इन्वेस्टर्स बैरूनी दुनिया में जाकर ट्रेड करते हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कैपिटल का आउटफ्लो है कैपिटल का इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो कैपिटल के ट्रांसफर भी जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में शुमार की जाती है वट इज द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकॉर्डिंग टू किंडल बर्गर द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स एंड दी रेजिडेंट ऑफ दी फॉरन कंट्रीज यानी किसी मुल्क के रेजिडेंट्स और दो दूसरे ममालिक हैं उनके रेजिडेंट्स का आपस में जितने भी इकनॉमिक ट्रांजेक्शनस हैं यानि इकनॉमिक मुआशी लेन दिन है ट्रांजेक्शन का मतलब है लेन देन यानि इकनॉमिक उनकी जो ट्रांजेक्शन हैं उनकी एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स उनके सिस्टमेटिक रिकॉर्ड पर मुश्तमिल होता है अकॉर्डिंग टू बेनहम बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज़ रिकॉर्ड ऑफ द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वैन द रेस्ट ऑफ विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड और ये जो टाइम पीरियड है ये आमतौर पर एक साल का टाइम पीरियड है जबकि बैरूनी दुनिया के साथ बाकी दुनिया के साथ उसकी मॉनिट्री ट्रांजेक्शन्स यानी कि मनी पर मबनी उसका तमामतर लेन देन जाहिर है जब वो एक्सपोर्ट्स करती है तो उसको बाकी दुनिया से पेमेंट हासिल होती हैं और जब वो ख़ुद इम्पोर्ट करती है तो उसको बैरूनी दुनिया को पेमेंट्स करना पड़ती हैं चाचे ये मॉनिट्री पेमेंट्स का आना उनका इनफ्लो या उनका बाहर जाना आउटफ्लो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो कहलाता है What is the difference between balance of payment and balance of trade -student's balance of payment or balance of trade mein kya fark hai? balance of trade is a part of the balance of payment. Balance of trade simply deals with the export and imports of goods on just only goods. Balance of trade does not include any services. Goya balance of trade. इसमें हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स यानी विजिबल आइटम्स की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को देखते हैं और इस इसमें हम जो सर्विसेज हैं उसको इन शामिल नहीं करते जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट इसमें हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिस्सा होता है जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है इसमें ना सिर्फ गुड्स बल्कि सर्विसेज और भी बहुत से आइटम्स जैसे कैपिटल ट्रांसफर भी शामिल होता है सो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन दी अदर हैंड इज मच ब्रॉडर कंसेप्ट इट इंक्लूड्स दी बैलेंस ऑफ ट्रेड द बैलेंस ऑफ सर्विसेज, बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट सब सबका सब जो है इसमें शामिल होता है देन द फीचर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इट इज़ अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री विद द अदर विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड एंड इट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रिलेटेड फिक्स पीरियड ऑफ टाइम यह आमतौर पर एक साल के लिए हम जो है वो पेमेंट्स का इसमें बैलेंस देखते हैं तो गोया ये खास अरसा वक्त के साथ मुंसलिक होता है फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो रिकॉर्ड है इसकी एक इंपॉर्टेंट जो फीचर है वह है कि कम्प्रीहेंसिवनेस है कम्प्रीहेंसिवनेस से मुराद यह है कि इसमें कोई सिर्फ एक आइटम शामिल नहीं है इसमें हम तमाम तर आइटम्स शामिल करते हैं ख़ा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो हो रही हो विजिबल आइटम्स की ख़ा इन जैसे कि गुड्स ख़ा इन विजिबल आइटम्स की जैसे कि सर्विसेज या के कैपिटल की ट्रांसफ़र हो रही हो हर तरह के आइटम्स हम इसमें इंक्लूड करते हैं इसलिए ये जो है वो कहलाती है ये सिव की जो है वो एक इंपॉर्टेंट फीचर है फिर इसके अलावा है डबल एंट्री डबल एंट्री सिस्टम है यानी डबल एंट्री सिस्टम से मुराद है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम आमदनी यानी इनकम को नहीं देखते रिसिप्ट्स को नहीं देखते बल्कि इसके साथ साथ इसमें हम पेमेंट्स को भी देखते हैं गो हम कितनी जो है वो पेमेंट कर रही है और कितनी हमें रिसिप्ट हासिल हो रही हैं दोनों को देखा जाता है इसलिए हम इसमें कहते हैं कि इसमें डबल एंट्री सिस्टम मौजूद है फिर इसके अलावा एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंसेस हम इसमें फिर ये भी देखते हैं कि अगर दोनों में डिफरेंस पाया जाए जितनी पेमेंट हमें हासिल हुई हैं यानी रिसिप्ट और जितनी पेमेंट हमें करनी पड़ी है अगर इसमें डिफरेंस पाया जाए तो इस डिफरेंस की कैसे एडजस्टमेंट की जा सकती है ये भी इसकी एक इंपॉर्टेंट फीचर है फिर आइटम्स इसमें इंक्लूड होते हैं गवर्नमेंट हाँ के हो या नॉन गवर्नमेंट हो यानी गवर्नमेंट की भी पेमेंट्स और इसमें शामिल होती हैं और इसके अलावा गवर्नमेंट के अलावा जो सेक्टर है जैसे प्राइवेट सेक्टर हो या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर हो उसकी भी पेमेंट्स और रिसिप्ट इसमें इंक्लूड होती हैं स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट देर आर द्री मेन फॉर्म ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसकी फॉर्म्स तीन मेन फॉर्म्स हैं। इसके तीन बड़े अकाउंट्स पर ये मुश्तमिल होता है फर्स्ट वन इज नोन एज द करंट अकाउंट द करंट अकाउंट द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन द करंट अकाउंट इंक्लूड दैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ बोथ विजिबल एंड द इन आइटम्स यानी इसमें विजिबल और इनविजिबल आइटम्स गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से हासिल होने वाली जो मॉनेटरी वैल्यू है जो इनकम है वो सारी की सारी जो है वो इसमें शामिल की जाती है ये भी डबल एंट्री होती है इसमें एक साइड पर हम गुड्स और सर्विसेज की जो है वो रिसिप्ट देखते हैं और एक तरफ गुड्स एंड सर्विसेज की जो है वो पेमेंट देखते हैं जो दूसरा अकाउंट है इट इज नोन एज कैपिटल अकाउंट कैपिटल ट्रांजेक्शन लाइक परचेज एंड द सेल ऑफ स्पेशली नॉन फाइनेंशियल लाइक लैंड एंड प्रॉपर्टीज आर मोनिटर्ड अंडर दिस अकाउंट गोया की तमाम तर नॉन फाइनेंशियल जो हमारा कैपिटल है जैसे कि लैंड है प्रॉपर्टीज हैं इनकी परचेज और सेल ये कैपिटल अकाउंट के अंदर जो है वो मैंशन की जाती है और इसी तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्ट्रक्चर और फॉर्म का तीसरा बड़ा अकाउंट इट इज नोन एज दाइनेंशियल अकाउंट दैट फ्लो टू एंड फ्रॉम अदर कंट्रीज थ्रू इन्वेस्टमेंट लाइक रियल इस्टेट्स फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिजनेस इंटरप्राइजेस इज रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट गोया इस अकाउंट में हम देखते हैं कि बैरूनी दुनिया ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी है बैरूनी दुनिया ने हमारे मुल्क में आकर जो है वो कितनी इन्वेस्टमेंट की और हमारे इन्वेस्टमेंस ने बैरूनी दुनिया में कितनी इन्वेस्टमेंट की है गोया बिज़नेस जो है उसकी इंटरप्राइज जो है उसकी क्या सिचुएशन है ये सब का सब जो है फाइनेंशियल अकाउंट में जो है इसका अकाउंट रिकॉर्ड किया जाता है गोया तीन अकाउंट करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट इन तीनों पर मुश्तमिल होकर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट जो है वो मुकम्मल होता है टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट की तीन टाइप्स हैं। दी फर्स्ट वन विच इज नोन एज दी सरप्लस आर फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट वेन रिसिप्ट ऑफ द कंट्री आर मोर देन इट्स पेमेंट्स जबकि जो है वो रिसिप्ट ज़्यादा हो और पेमेंट जो है वो नस्बता कम हो गोार आपकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हों और एक्सपोर्ट आपने दुनिया को ज़्यादा मेदार में कमोडिटीज एक्सपोर्ट की हैं नतीजतन आपको ज़्यादा आमदनी ज़्यादा रिसिप्ट हासिल हुई है जबकि कम्पेरेटिवली दुनिया ने जो है वो आप से आपने कम चीज़ें खरीदी हैं कम चीज़ें आपने इम्पोर्ट की हैं और आपको नतीजे कम जो है वो पेमेंट्स करना पड़ी हैं आपकी रिसिप्ट आपकी आमदनी आपकी पेमेंट से ज़्यादा है चुनाच बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा गोया सरप्लस होगा और ज़ाहरा आपके हक में अच्छा ही होगा क्योंकि आपके मुल्क में कैपिटल का इनफ्लो ज़्यादा हुआ है जबकि आउटफ्लो कम हुआ है डेफिसबल बैलेंस ऑफ पेमेंट वेन दिसिप्टीज पेमेंट के जाहिर है कि जब आपकी इम्पोर्ट्स आपकी इम्पोर्ट्स की नस्बत जो है वो कम हो आपको ज्यादा मकदार में जो है वो अदायगियाँ करनी पड़ी हों जबकि आपको रिसिप्ट कम हासिल हुई हों हु, कोई आपकी आमदनी कम हो आपकी पेमेंट आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा हों तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट चला जाता है here balance of payment which is represented by b b is equal to r minus p r शो कर रहा है रिसिप्ट को और पी शो कर रहा है पेमेंट्स को यहाँ आपकी रिसिप्ट जो हैं और जो पेमेंट्स हैं उसका डिफरेंस क्या है लेस देन ज़ीरो है इसका मतलब है कि आपकी रिसिप्ट कम हैं और पेमेंट्स ज़्यादा हैं चुनाचे जब आप रिसिप्ट में से पेमेंट्स को माइनस करेंगे तो ज़ाहिर है नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है लेस देन ज़ीरो यहाँ आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया वो डेफिसिट में चला गया है और आपका बैलेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट कब होता है दी ऑफ यहां, यहां आपने लिखना है the the मैं आपको भी इसके आपको नोट्स जो हैं वो शेयर करूंगी पी में तो मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ सो हियर दी बी बी विच इज रेप्रजेंट दैलेंस ऑफ पेमेंट इट इज इक्वल टू रिसिप्ट माइनस पेमेंट आर माइनस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो दोनों का डिफरेंस का रिजल्ट क्या है ज़ीरो है जिसका मतलब है जितनी रिसिप्ट हासिल हुई हैं जितनी इनकम हासिल हुई है ठीक उतनी ही जो है वो पेमेंट्स भी है इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है गोए दोनों का डिफरेंस क्या है ज़ीरो है इसको हम बैलेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं क्योंकि जितनी जो है वो एक्सपोर्ट की मॉनिटरी वैल्यू है बिल्कुल ठीक उतनी ही जो है वो इम्पोर्ट्स की भी मॉनिटरी वैल्यू है अब हम देखते हैं कि बहुत सी कंट्रीज़ का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट में चला जाता है वो अनफेवरेबल होता है जैसे कि स्पेशली एल कंट्री पाकिस्तान में भी इनमें शामिल है क्या वजूहत हैं क्या वो फैक्टर्स हैं जो कि अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं दी फर्स्ट वन इज़ दी इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स जब भी किसी मुल्क इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाए इम्पोर्ट्स क्यों ज़्यादा हो जाती हैं हो सकता है कि वो मुल्क जो है वो इस वक्त डेवलपमेंट के प्रोसीजर से गुजर रहा हो उसको बहुत ज़्यादा मकदार में मशीनरी चाहिए हो बाजारत लाइफ सेविंग ड्रग्स और बहुत बहुत सारी बैंड वैगन अफेक्ट असर नुमाइश के तहत जो है लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड कमोडिटीज़ जो है वो ख़रीद लेते हैं जिसके नतीजे में मुल्क इम्पोर्ट्स बढ़ जाती हैं ज़्यादा मकदार में जो है वो अदायगी करना पड़ती है और पेमेंट्स के भरने की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला जाता है क्योंकि अनफेवरेबल या डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब यह है कि हमारी जो है वो पेमेंट्स ज़्यादा हैं और रिसप्ट कम हैं तो पेमेंट्स क्यों ज़्यादा हो जाती हैं या रिसप्ट क्यों कम रहती हैं यही फैक्टर्स हम यहाँ स्टडी करने चाह रहे हैं डिक्रीज़ इन एक्सपोर्ट्स हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं होती हैंट्स ज़्यादा ना होने के पीछे फैक्टर यह है कि हमारी गूट जो हैं वो क्वालिटी में कमतर होती हैं वो बैरूनी दुनिया की और तरक्की याफ्ता ममालिक पैदा करदा चीज़ों का मुकाबला नहीं कर सकती ना तो क्वालिटी में और ना ही प्राइस के कम होने में नतीजतन एक्सपोर्ट्स कम होती हैं बैरूनी दुनिया हमारी कमोडिटीज़ कम खरीदती हैं एक्सपोर्ट के में कमी की वजह से रिसिप्स कम रहती हैं फिर इंक्रीज़ इन इम्पोर्ट प्राइसेस जो इम्पोर्ट प्राइसेस हैं उनकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं क्योंकि ज़्यादातर जो है इम्पोर्ट चीज़ें सारी के सारी मशीनरी पर और इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ पर मुश्तमिल होती हैं इनकी प्राइसेस आर्मी मंडी में बहुत ज़्यादा है और हमें ज़्यादा मेदार में पेमेंट करना पड़ती है इंक्रीज़ इन डोमेस्टिक नीड्स और जैसे जैसे डोमेस्टिक नीड्स भरती चली जाती हैं घरेलू ज़रूरियात बढ़ती चली जाती हैं लोग अपना मैारे ज़िंदगी को बुलंद रखने के लिए तरह तरह के आइटम जो है वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते रहती हैं और चूँकि इसमें ज़्यादातर इम्पोर्टेड आइटम्स शामिल होते हैं हमें ज़्यादा मेदार में पेमेंट्स करना पड़ती हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को डेफिसिट कर देती हैं फिर इंक्रीज़ इन द डिमांड ऑफ वार इक्विपमेंट आजकल हर मुल्क को जो है ये मसला दरपेश है कि उसकी सरहदों पर जो है उसको अपने दिफा का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो इस सिलसिले में जो है वो अपने आप को जो है वो जंगी लिहाज से जो है वो मज़बूत बनाना चाहता है और वारक्यूपमेंट पर बहुत ज़्यादा ख़र्च किया जाता है जैसे कि आप देखिए पाकिस्तान जैसे एक डिवेलपिंग कंट्री को भी जो है वो दिफा पर बहुत ज़्यादा ख़र्च करना पड़ता है साथ वार एकमेंट की डिमांड के बढ़ने की वजह से इसकी इंपोर्ट के बढ़ने की वजह से भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमर डेफिसिट चला जाता है इन्फ्लेशन अगर आपके मुल्क में इन्फ्लेशन है तो इसका मतलब है आपके मुल्क की कमोडिटीज़ महंगी हैं उनको बैरूनी दुनिया में उनकी डिमांड कम इसलिए कम हो जाती है क्योंकि वो आपकी पैदा करदा चीज़ें बैरूनी दुनिया में महंगी होती हैं क्योंकि आपके मुल्क में इन्फ्लेशन है महंगाई है और एक्सपोर्ट्स कम रहती हैं और बैलेंस ऑफ पेमर डेफिसिट हो जाता है फिर इंक्रीज इन दी डिमांड इंक्रीज़ इन दी डिमांड ऑफ इनविजिबल आइटम्स जो इनविजिबल आइटम्स हैं इनकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हो रही है जितनी भी सर्विस हैं जैसे बैरूनी दुनिया में लोग तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं वहाँ की जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए सैरों से के लिए जब बैरूनी दुनिया की ये इनविजिबल आइटम्स हम बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं तो फिर भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो जाता है फिर इंक्रीज़ इन दी फॉरन डेट है हमारा जो बैरूनी कर्ज़ा है फॉरन जो लोन है वो बहुत ज्यादा मकदार में आ, पाकिस्तान जैसे कर, जो एल्ड लेस डिवेल्प कंट्रीज हैं ये बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है वो अवेल कर रहे हैं नतीजतन उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो जाता है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट हाई है तो ज़ाहिर है प्राइसिस भी ज़्यादा होंगी बढ़ती हुई प्राइसेस जो हैं वो आपकी एक्सपोर्ट्स को कम कर देती हैं लूज स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स अगर आपकी प्रोड्यूस जो कमोडिटीज़ हैं इनका स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा नहीं है ये क्वालिटी में कमतर हैं तो ये बैरूनी ममालिक पैदा करदा चीज़ें स्पेशली डिवेलप कंट्रीज़ की पैदा करा चीज़ों का को कम्पीट नहीं कर सकती बैरूनी मार्केट्स में और इसीलिए इनकी डिमांड जो है वो कम रहती है फिर अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड से मुराद है टर्म ऑफ ट्रेड का फार्मूला है पी एक्स ओवर पी एम यानी एक्सपोर्ट्स की प्राइस डिवाइडेड बाई इम्पोर्ट्स की प्राइस अगर आप अगर देखें कि बैरूनी दुनिया में सिचुएशन ये है कि एल जो कम तरक् याफ़्त ममालिक हैं ये जो चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं ये ज़्यादातर रॉ मटेरियल पर मुशतमिल है इनकी प्राइसज़ल मंडी में बहुत ही कम हैं जबकि जो तरक् याफ़्त ममालिक हैं ये ज़्यादातर मैनुफेक्चर गुड़ जो हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं और इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हैं कोई शक्नी प्राइस ज़्यादा होनी भी चाहिए कि ज़ारे एक मैनुफेक्चर गुड़ है और एक रॉ मटीरियल गुड़ है लेकिन इनफेक्ट दोनों के दरमियान जो फ़र्क़ पाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा है जो कि अनजस्ट है इसी वजह से टर्म ऑफ ट्रेड के अनफेवरेबल होने के के की वजह से यानी कि एक्सपोर्ट्स के प्राइसेस के कम होने और इम्पोर्ट्स के प्राइसेस के बहुत ज्यादा होने की वजह से भी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट में चला जाता है स्टूडेंट्स नाउ वी वी विल डिस्कस कैन डू टू इंप्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट आर दी फर्स्ट वन वी शुड इंक्रीज द एक्सपोर्ट हाउ वी कैन इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स यार अपनी प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करके उनकी प्राइसेस को कम करके फिर उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करके उनकी दर्जाबंदी करके तो इस तरह हम जो है वो अपनी एक्सपोर्ट्स को इनक्रीज़ कर सकते हैं नई नई मंडियाँ इनके लिए तलाश करके इनकी एग्जीबिशंस लगा कर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सकता है ताकि हमारी रिसिप्ट बढ़ जाएँ फिर डिक्रीज़ इन इम्पोर्ट्स इम्पोर्ट्स में कमी करनी चाहिए इसके लिए जो है वो हमें तामीन की पॉलिसी अपनानी चाहिए यानी प्रोटेक्शन की पॉलिसी अप्लाई करनी चाहिए अपने मुल्क की जो कमोडिटीज़ हैं इनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपने ही मुल्क की पैदा करता चीज़ों को खरीद और इंपोर्ट सब्सिट्यूटोर्ट्स के, के अपने मुल्क के अंदर सब्सिट्यूट पैदा करने चाहिए ताकि बैरूनी दुनिया से हम कम चीज़ें इम्पोर्ट करें और हमें कम पेमेंट्स करनी पड़े और बैलेंस ऑफ और पेमेंट बेहतर हो सके फिर इंक्रीज इन विजिबल एक्सपोर्ट्स जो इन इनविजिबल एक्सपोर्ट्स हैं उनको बेहतर बनाएं यानी अपने मुल्क में जो ह्यूमन क्वालिटी है उसको बेहतर किया जाए सर्विसेज को बेहतर बनाया जाए ताकि बैरूनी दुनिया के लोग हमारी सर्विसेज को आ, ज़्यादा इस्तेमाल करें अपने मुल्क में तालीम को मेडिकल फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाया जाए ताकि बैरूनी दुनिया के लोग भी आकर इसको इस्तेमाल करें टूरिज़म को बेहतर किया जाए फिर इसके अलावा ये है कि ट्रांसपोर्ट जो है वो बेहतर बनाई जाए इन सबको अगर बैरूनी दुनिया ज़्यादा मकदार में हमारे ये इनविज़िबल कमोडटीज़ ज़्यादा मिदार में ख़रीदेंगी तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी फिर डिवेल्यूशन है डिवेल्यूशन से मुराद है कि अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर देना अगर करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया जाए तो उसका नतीजा ये होगा कि आपकी चीज़ें बैरूनी दुनिया के लिए सस्ती हो जाएंगी क्योंकि आपने अपने मुल्क की करेंसी की वैल्यू कम कर दी है चुनाचे आपकी कमोडिटीज़ की प्राइसेस जब कम हो जाएंगी तो उसकी जो है वो डिमांड बढ़ेगी और यूँ आपकी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी एक्सचेंज कंट्रोल की पॉलिसी है एक्सचेंज कंट्रोल से मरा ये है कि फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोर्ट के ज़रिए जितना भी फॉरेन एक्सचेंज जो है वो अर्न किया जाएगा उसको सारे का सारा जो है वो स्टेट बैंक अपने कब्ज़े में यानी किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक अपने कब्ज़े में ले, ले लेता है और उसको सिर्फ उन कमोडिटीज़ की इम्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल करता है जो कि उस मुल्क की नेशन जो कि नेशन के लिए बहुत ज़रूरी हो जैसे कि मशीनरी के लिए क्योंकि वो मुल्क की डिवेलपमेंट के लिए ज़रूरी है या लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए क्योंकि वो लोगों की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है लेकिन इस फॉरेन एक्सचेंज को आम तौर पर तयुशात की इंपोर्ट के लिए कंफर्ट्स की इंपोर्ट के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता इस तरह एक्सचेंज कंट्रोल की पॉलिसी जो है वो अप्लाई की जाती है इस पॉलिसी के जरिए भी बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेहतर बनाया जा सकता है फिर डिक्रीज इन दी क्वांटिटी ऑफ मनी अगर क्वांटिटी ऑफ मनी को डिक्रीज़ कर दिया जाए तो प्राइसेस कम हो जाएंगी मुल्क जो अगर वो इन्फ्लेशन का शिकार था वो इन्फ्लेशन से बाहर निकल आएगा प्राइसेस कम होंगी कम होती हुई प्राइसेस जो हैं वो बैरूनी दुनिया में आपकी कमोडिटीज़ की डिमांड को बढ़ा देंगी एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी और नतीजतन बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हो जाएगा फिर इंटरनेशनल मोनिट्री फंड है आखिर में सबसे आखिर में जो हमारे पास हल रह जाता है वो यही रह जाता है कि जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट में चला जाता है हमारी इंपोर्ट्स कम होती हैं हमारी इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम होती हैं हमारा हमें जो पेमेंट्स करना होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और हमें जो है वो बैरूनी दुनिया से जो पेमेंट्स हासिल हुई होती हैं वो बहुत कम होती हैं गोया बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में होता है तो फिर हम जो है वो आईएमएफ के पास इंटरनेशनल मोनिट्री फंड के पास जाते हैं ज़ाहिर उनसे जो है वो कर्जा लेते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स एस टी के जरिए जो है ये हम पढ़ेंगे आगे कंसेप्ट उसके जरिए आई एम एफ जो है वो हमें इस काबिल बना देता है इतना लोन प्रोवाइड कर देता है कि हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट है उसको जो है वो कवर कर लेते हैं जी स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा